टीवी न्यूज़ देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शहर गुरदासपुर अंदर अमन कानून की स्थिति को बहाल रखने के लिए आज SSP गुरदासपुर हरीश कुमार दयामा और वधीक डिप्टी कमिश्नर निधि कुमत वालों फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर अंदर फेक न्यूज़ चलाने वाले खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक स्पैशल सैल वालों सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने वाले उपर तिखी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर शहर में अमन कानून की स्थिति बिल्कुल काबू में है और लोग आपसी भाईचारक सांझ नाल रल मिल के काम कर रहे हैं। होर की कहना सी SSP गुरदासपुर का इस पूरे मुद्दे के उत्ते, आओ देखते हैं लवप्रीत सिंह खुशीपुर की एक खास रिपोर्ट। जिले के अंदर अमन कानून की स्थिति जी है बिल्कुल कंट्रोल दे विच है। अमन कानून बिल्कुल ठीक है। SSP साहब के नाल अज असी थाने भी विजिट किए, अपने नाके भी विजिट किए, अपनी बहुत मुस्तैदी नाल पुलिसकर्मी चैकिंग कर रहे हैगे ने। ते ताटे माध्यम थ्रू मैं लोगों नूं इहो अपील करांगी कि फेक न्यूज़ या बिना चेक किते किसी भी गल दे उत्ते गल दा पतंगड़ नहीं बनाना है, बिल्कुल उसनूं चेक करना है। ते सानूं बहुत पब्लिक भी सहयोग दे रही है कि सारे अपनी गड्डियां आप खड़े हो के चेक करा रहे ने, कोई नहीं मतलब पूरा कोऑपरेशन दे रही हैगी। ते इहो आस है कि तुसीं सारे मीडिया कर्मी प्लस आम जनता प्रशासन दे नाल खड़े रहोगे इस कड़ी दे विच। 144 ते असीं रूटीन ऑर्डर्स करदे हैगे हैं, वो तो सानू ऑलरेडी ईयर मार्क्ड होंगे प्रोटेस्ट साइट्स, वो तो साड़ी रूटीन गतिविधि है। कुछ भी रूटीन तो करके अलग नहीं किया जा रहा, फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा हैगा, सो दैट थोड़े सामने असी आईए, लोगों के सामने असी आइए, जो असी पिछे बैठ के काम करते हैं लोगों की नज़र के विच आईए कि असी काम कर रहे हैं, अपना विश्वास कायम रखो, साढ़े नाल खड़े रहो। पूरी तरह अमन ते कानून व्यवस्था बनी हुई है। अज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ते एडमिनिस्ट्रेशन वालों साढ़े ADC मैडम भी आए हैं, जिहड़े सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी अफसर है, पुलिस के भी सारे अफसर मौजूद हैं। असी सारे मिलकर जो है फ्लैग मार्च से फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये थ्रू एक बड़ा ही चंगा मैसेज लोगों के विच जा रहा है कि इतने पुलिस जी हैगी हर थां ते हर नाके ते मौजूद है, वो चैकिंग भी कर रही है, तो हर तरह के सस्पीशियस एलीमेंट्स एंटी सोशल एलीमेंट्स रोक के रखे। इस तो अलावा असी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इतने किसी भी तरह की कोई अनसुखावी घटना ना हो दईए। हुण तुहाडे वल तुहाडे थ्रू असी पब्लिक नूं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ ते रूमर्स ते विश्वास ना करन, ते प्रशासन नूं तुरंत सूचित करन जिथे भी कोई इस तरह की खबर मिलती है। इस तो अलावा जिहड़े एंटी सोशल एलीमेंट्स है, असी उन्हां नूं भी वॉर्न करना चाहते हैं कि असी पूरी तरह नज़र रख रहे हैं सोशल मीडिया ते भी, ऑनलाइन मीडिया ते भी, किते भी कोई गलत मैसेज या वह पाते हैं तो असी इमीडिएटली उन्हां दे अगेंस्ट लीगल कार्रवाई करांगे ते कानूनन तौर पे उन्हां नूं डील करांगे। सर अज वी इंटरनेट रिवाइव हो गया है, सर उसको बाद विशेष अपील करनी चाहिए? नहीं, इंटरनेट सर्विसेज जिहड़ी ब्रॉडबैंड सर्विसेज तो पहला भी चल रही थी, तो इदां नहीं हैगा, लोग अपने घर ते भी यूज़ करते ही सी, तो इस तरह की कोई खास प्रॉब्लम सानू नहीं देखने मिल रही है। सारी सिचुएशन नॉर्मल हैगी, लोगों ने बड़ा ही चंगा साथ भी दिता है पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का। अगे भी असीं लोगों को यही अपील करते हैं कि वो सारे समझदार हैं, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸਾਂ ਫੁੱਟ ਮਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਫਰਾਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਫਰਾਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਫਰਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ।